न्यूमेरिकल नंबर 7, 2.7, सेकंड चैप्टर का 7 न्यूमेरिकल. अ यूनिफॉर्म रॉड 1 मीटर लॉन्ग विद अ वेट ऑफ 6 न्यूटन कैन बी सपोर्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन द शार्प एज विद द एट ऑफ 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ पेज. एक यूनिफॉर्म क्या है रॉड. इस यूनिफॉर्म रॉड की जो लेंथ है, ठीक है, क्या लेंथ, सपोज इसको हम नाम लेते हैं आर, वो कितना है 1 मीटर. टोटल लेंथ इस रॉड की कितनी है 1 मीटर. एक साइड पे, एक एज पे जो न्यूटन, जो वेट ऑफ लाइट है इस पे सस्पेंडेड है वो कितना है 10 न्यूटन, उसको हम नाम देते हैं W1, वो कितना है 10 न्यूटन. दूसरा एज पे जो वेट है वो कितना है W2, और वो है 5 न्यूटन. ये इसका हो गया सेंटर. ये क्या है इसका सेंटर, ठीक है. अब ये सपोज ये इधर से सेंटर से इधर तक ये कितना है R1 और ये कितना है R2, सही है. अब ये बिल्कुल सेंटर पे है तो इधर से इधर तक R हमारे पास जो R1 है वो कितना होगा 0.5, और R2 भी कितना होगा वो भी 0.5. क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पे है और टोटल 1 मीटर है, तो 1 मीटर को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी 0.5 और ये भी 0.5 आएगा. अगर गिवन डेटा में आप देख लें, गिवन डेटा में डेटा लिखते हैं, ठीक है, जो टोटल लेंथ ऑफ रॉड है वो है 1 मीटर. R1 इक्वल है 0.5 मीटर, R2 इक्वल है 0.5 मीटर, ठीक है. टोटल जो रॉड की वेट है W, वो कितना है 6 न्यूटन, W1 है 10 न्यूटन, W2 है 5 न्यूटन. अब क्वेश्चन में ये है कि किस पॉइंट पे ये क्या होना चाहिए, विथ व्हाट पोजीशन द पॉइंट ऑफ बैलेंस, मतलब इधर किस जगह. इधर तो ये क्या है 10 न्यूटन, इस 10 न्यूटन वेट की वजह से ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, ठीक है, और इस 5 न्यूटन की वेट की वजह से ये इस डायरेक्शन, तो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आप फाइंड करें कि इधर ये तो 10 न्यूटन ज़्यादा है और 5 न्यूटन कम है, जाहिर सी बात है कि इस 10 न्यूटन की वजह से ये इस डायरेक्शन में इसमें टार्क पैदा होगा. अब क्वेश्चन हमें ये कहता है कि किस पोजीशन पे इधर ये बैलेंस हम करेंगे, तो हमने ये पोजीशन, तो ये 5 न्यूटन है, ये कम है, तो इधर एक पोजीशन होगा जिधर ये क्या होना चाहिए बैलेंस, तो इस पोजीशन को हमने फाइंड करना है, मतलब इस डिस्टेंस को, जिसको हम नाम देते हैं क्या R1, R2 और R3. R3 वो पोजीशन है जिधर ये बैलेंस होगा, जिधर ये क्या होगा बैलेंस, तो हमने फाइंड करना है. तो इस वेट की वजह से जो टार्क पैदा होगा वो हमारे पास होगा टार्क 1 और ये क्या होगा टार्क 2. अब बॉडी कब बैलेंस में होगा, जब टार्क 1 और टार्क 2 क्या होंगे बैलेंस, ठीक है. बैलेंस के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, जब एक साइड पे जो टार्क फ्लाइड है बॉडी पे वो बैलेंस होंगे दूसरी साइड पे जो टार्क होगा. अब टार्क हमें पता है कि टार्क किसे कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टार्क, और टार्क मैथमेटिकली बराबर होता है फोर्स इनटू मोमेंट ऑफ. इधर फोर्स क्या है टार्क 1 में वेट, तो ये हो जाएगा वेट 1, तो ये फोर्स और R1, और दूसरी साइड पे जो टार्क की फ्लाइट है राइट हैंड साइड पे वो क्या है, वो है वेट 2 इंटू R2 प्लस वेट 3 इंटू R3. अब इधर जो वेट 3 है ये हम सपोज करेंगे रॉड की वेट जो है और हमने क्या फाइंड करना है R3, तो ये हो जाएगा, देखिए इधर इस इक्वेशन को अगर हम इस साइड पे लिखें तो ये हो जाएगा वेट 3 या सिंपल वेट इंटू R3, और ये हो जाएगा वेट 1 और R1 मतलब टार्क 1, और इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा वेट 2, सही है, इनटू R2. अब R3 इक्वल हो जाएगा
इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है। जो आर थ्री है, पोजीशन आर थ्री, ये इक्वल हो जाएगा वेट वन इंटू आर वन माइनस वेट टू इंटू आर टू डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई है इधर शिफ्ट होकर डिवाइड बन जाएगा। अब आर थ्री इक्वल हो जाएगा, वेट वन कितना है, वेट वन है 10 मल्टीप्लाई आर वन है 0.5 माइनस वेट टू है 5 मल्टीप्लाई आर टू कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल वेट कितना है रॉड की 6 न्यूटन, ठीक है। तो इसको हम इस तरह फाइंड करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 5 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 6 और इससे आएगा क्या 2.5 डिवाइड बाई 6 और आर थ्री इक्वल आ जाएगा 0.416 मीटर, ठीक है, 0.416 मीटर या राउंड अप करके ये हो जाएगा 0.42 मीटर। मतलब इस पोजीशन पे ये रॉड क्या होगा, ये रॉड बैलेंस होगा, ठीक है। तो जो आर थ्री पोजीशन जो होगा इस ये 0.42 मीटर पे ये बैलेंस में होगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह फाइंड करना है।